वेदस्य अस्तौ कल्पो च पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाधारणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम् तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके मनीयते। वेद के पैर छंद, हाथ कल्प, आंखें ज्योतिष, कान निरुक्त, नाक शिक्षा और मुख व्याकरण है। इसीलिए वेदांग युक्त वेद पढ़ने से ही व्यक्ति ब्रह्मलोक में महान हो जाता है। परम पूज्य सूत्रधार जी, यदि आपकी नांदी समाप्त हो गई हो तो आंखें खोलिए और संसार के सत्य पर दृष्टि डालिए। मेरे प्रवेश करने और पर्दा उठने के बीच ऐसा कौन सा बदलाव आ गया जो तुम मुझे दृष्टिगोचर करा रहे हो? मेरे तो भाग फूट गए, भाग ही फूट गए। अभी अभी जब मैं घर से बाहर गया था तो रास्ते में मुझे ज्योतिष मिला। उसने बताया, बच्चा ये ग्रेट इंडियन थिएटर कंपनी में क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? अरे सर्कस में जाओ, वहाँ भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। तो मैं रिजाइन करके आ रहा हूँ। तो ये महान ज्योतिषी कौन है? ये हाँ, ये नारद घाट की सीढ़ियों पर बरसों से बैठता है। वही पिछली साल जिसका छाता उड़ गया था और उससे पिछली बार जिसका तख्त बह गया था। वही वही वही। अरे मूर्ख, जो ज्योतिषी अपनी किस्मत का हाल नहीं बदल पाया वो दूसरों को क्या बचाएगा? सूत्रधार जी, उसे छोटा मोटा ज्योतिषी मत समझो। अरे वो अपने आप को भास्कराचार्य जी का वंशज कहता है और उन्हीं की किताबों से जंतरी बांधता है। भास्कराचार्य? हाँ। जानते भी हो भास्कराचार्य कौन थे? वो महान थे, बहुत महान थे। महान तो थे, पर थे क्या? नहीं जानते ना? तो चलो, आज मैं तुम्हारा परिचय भारत भूमि के उस सुपुत्र से करवाती हूँ जिस नाम का प्रयोग पाखंडी करते हैं पर जिसके बारे में जानते ज्यादा कुछ नहीं है। तो मित्रों, आज हम खेलते हैं कहानी भारत के महान मनीषी, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, कवि भास्कराचार्य की। लीलावती, लीलावती, तुम्हारे बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। अरे आज तो फिर खेल छोड़कर चल पड़ी। बाबा ने बुलाया है ना, पर अब खेल का निर्णय कैसे होगा? निर्णय हो चुका, तुम जीती मैं हारी। तुम जीती मैं हारी। मेरी बिटिया कभी हार नहीं सकती, वो भी धूली कर्म में। पर धूली कर्म तो पार्टी पर करते हैं बाबा। हाँ, पर वहाँ तुम बच्चे पूरी भूमि को पार्टी बना देते हो और उस पर कंकर से वर्ग और आयत के आकार खींच देते हो। तो आज से हम पार्टी गणित अर्थात अंक गणित सीखने का काम आरंभ करते हैं। संख्याएं तो तुम्हें आती है ना? हाँ बाबा। तो लिखो 1। अब इसके आगे 1 शून्य लगा दिया तो 10 और 1 और 0 लगाया तो शत, 100 और अगर 1 और सहस्त्र फिर 1 और 10 सहस्त्र। सरल भाषा में कम पढ़े लोग इसे 10 सहस्त्र या 10,000 कहते हैं। हम इसे कहेंगे अयुत। अयुत। फिर लक्ष, प्रयुत, कोटि, अर्बुद, अब्ज, खर्ब, निखर्ब, महापद्म, शंकु, जलधि, अंत्य, मध्य, परार्ध। बाबा, बाबा। परार्ध अर्थात 1 की संख्या के आगे 17 शून्य। तू अभी से घबरा गई? अरे मैंने तो 1 के आगे 53 शून्य तक की संख्याओं के नाम रख दिए। पर 1 शून्य लगाने से तो संख्या 10 गुना बढ़ जाती है। फिर 50 शून्य लगाने से पता नहीं कितनी बड़ी हो जाएगी संख्या। पर इतनी बड़ी संख्या का हमें क्या करना, इतने तो शायद तारे भी नहीं होंगे आसमान में। तारे कितने हैं ये मैं नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि हमसे इनकी दूरी बताने के लिए एक के आगे 50 तो क्या 100 शून्य भी कम पड़ेंगे। इतने दूर होते हैं तारे धरती से? कुछ तारे कुछ पास भी होते हैं, जैसे हमारा सूर्य। सूर्य? पर सूर्य तो सूर्य है, वह तारा थोड़ी ना है। तारे तो रात में चमकते हैं। सारे तारे भी बड़े बड़े सूर्य होते हैं और हमारा सूर्य एक छोटा सा तारा, किंतु वो हमारे पृथ्वी के इतने पास है कि जब वो सामने आ जाता है तो उसकी चमक में बाकी के तारे दिखना बंद हो जाते हैं। पर रात में सूर्य कहाँ चला जाता है? सूर्य कहीं नहीं जाता, बस हमारी पृथ्वी घूम जाती। कैसे कैसे? मैं समझी नहीं। जैसे हमारा घर कहीं नहीं जा रहा, सामने के सामने खड़ा है, किंतु यदि हमारी बिटिया घूम गई तो हमारा घर वहीं रहकर भी ओझल हो गया ना। हाँ। बस ऐसे ही चलती है सूर्य और पृथ्वी की दिन और रात की आंख मिचौली, समझ गई ना? भास्कर, भास्कराचार्य, त्रिविक्रम, भास्कर भट्ट गोविंद, प्रभाकर और मनोहर जैसों का वंशज पुरखों का यूं नाम डुबोएगा, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। लोग आज तुम्हारे गांव विजडवेट के नाम पर हंसते हैं। किंतु तात मैंने किया क्या है? तुम अपने पुत्र लक्ष्मीधर को सिखाने की बजाय सारा गणित ज्ञान अपनी पुत्री लीलावती को देने में लगे हो। लक्ष्मीधर को भी मैं पढ़ाता हूँ, किंतु लीलावती सीखने को अधिक आतुर और चतुर, तो वो क्यों ना सीखे? जिस वय में तुम्हें कन्या दान दे देनी चाहिए, उस आयु की कन्या को तुम ज्ञान देने में लगे हो। आपके मित्र और मेरे पिता पूज्य महेश्वराचार्य ने लीलावती के जन्म के समय उसकी कुंडली विचारी थी। कहना था कि लीलावती की जन्म कुंडली में विवाह का कोई शुभ मुहूर्त है ही नहीं, और यदि अशुभ मुहूर्त में विवाह रचा गया तो विवाह के तुरंत बाद वो विधवा हो जाएगी। संभव है महेश्वर से गणना में कोई भूल हुई हो। तुम स्वयं अपनी बेटी की कुंडली क्यों नहीं देखते? मैंने अपने पिता और गुरु के शब्दों पर कभी संदेह नहीं किया। आश्चर्य, जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के ज्ञान को प्रश्न और संदेह की दृष्टि से देखता है, उसने अपनी बेटी की कुंडली पर प्रश्न दृष्टि नहीं डाली। यह अवश्य मेरी भूल। एक गणितज्ञ और वैज्ञानिक का धर्म कि हर वस्तु, हर स्थिति और गणना प्रश्नपूर्ण दृष्टि से भी देखे, जब तक कि उसका प्रमाण स्वयं न मिल जाए। हाँ, बस कहीं ईश्वर का प्रमाण ना ढूंढने लगना। क्यों नहीं? हमारे वैदिक विद्वान तो ईश्वर की शरण में ना जाकर बुद्धि की शरण में जाने की बात कर गए। यम विशिष्टिर यत आवभूव यदि वा दगे यदि वा न यो अस्माध्यक्ष परमे व्योमन सौंग वेद यदि वा न वेद। इसका अर्थ बताएंगे भास्कराचार्य? तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे, क्या किसी ने इसे रचा है? जो आकाश के ऊपर बैठा हुआ है वही इस बात को जानता है, या शायद वो भी नहीं। क्या हुआ? बाबा बाबा देखो कैसे मूर्खता की बात कर रहा है भैया। मैंने इससे पूछा ये पृथ्वी जिस पर हम टिके हुए हैं वो किस पर टिकी है, तो मैंने उत्तर दिया 4 बड़े हाथियों पर। और हाथी किस पर टिके हैं? एक बहुत बड़े कछुए पर। पर कछुआ कहाँ बैठा है? पानी पर। पानी कहाँ है? पृथ्वी पर। पृथ्वी किस पर? तेरे सर पर। क्यों, क्या हम ये नहीं मान सकते कि पृथ्वी निराधार? पृथ्वी में स्वयं एक धारणात्मिका शक्ति, ये भी तो संभव है। परंतु ये कैसे संभव है? वस्तुओं में विचित्र शक्ति होती है, जैसे पृथ्वी में आकर्षण शक्ति। इस आकर्षण शक्ति से वो सभी भारी पदार्थों को अपनी ओर खींचती है। इस आकर्षण शक्ति के कारण हर उछाली हुई वस्तु वापस धरती पर आ गिरती है। पर बाबा देखो, हमारे चारों ओर का आकाश निराधार है, तो हमारी पृथ्वी निराधार क्यों नहीं हो सकती? अरे आप ये किसकी कुंडली देख रहे हैं? है किसी की, जो मुझे बहुत प्यारा है। किंतु आप तो सबसे कहते हैं कि असली ज्योतिष ज्ञान कुंडली को देखकर नहीं, वेदशाला के यंत्रों को देखकर किया जाता है। फिर आज इस कमरे में ये यष्टि, शंकु, चक्र, फलक और घटी यंत्र को छोड़कर आप ये कुंडली क्यों देख रहे हैं? कौतूहल अनंत है। आज तेरी बातों का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, किंतु किसी दिन दूंगा जरूर। और उस ग्रंथ का नाम रखूंगा करण कुतूहल। करण कौतूहल, ये कैसा नाम है? मुझे तो बड़ा कौतूहल हो रहा है। अरे मूर्ख, इस ग्रंथ को ज्योतिषियों की गीता कहा जाता है। पांचांग बनाने की विधि, फलित ज्योतिष की बातें, लग्न और कुंडली जानने के सारे तरीके लिखे हैं करण कुतूहल में। सूत्रधार जी, कुंडली से याद आया, फिर भास्कराचार्य जी को अपनी बेटी के लग्न का मुहूर्त मिला या नहीं? कैसे नहीं मिलता? यानी लीलावती की शादी धूमधाम से हो ही गई। हाँ भी और ना भी। अच्छा पुराना चावल गांव भर से इकट्ठा कर लिया गया है, पकाने के भांडे बर्तन सब हो गए हैं, लकड़ी मसाला घी गुड़ सब कुछ तो हो गया है। अब किस बात की चिंता है? अब तो बस एक चीज आनी बाकी है, वो है दूल्हा और बारात। इसी बात की तो चिंता है। एक घड़ी मात्र छोटी सी घटिका का मुहूर्त निकला है, वो भी तमाम सूक्ष्म गणनाओं के आधार पर। एक यही डर मुझे खाया जा रहा है कि बारात दूर के गांव से आने वाली है, कहीं देर सवेरे होगी तो बेटी को आंख खोलकर विधवा बनने के लिए धोखेलूंगा नहीं ना। अरे अगर ऐसी बात है तो मैं उनके गांव चला जाता हूँ संदेशा लेकर कि भाई जो बारात है एक दिन पहले ही ले आए। मगर बाकी इंतजाम की फिक्र आप हम पर छोड़ दो। बारात एक दिन पहले आ जाएगी, गांव के मंदिर में एक रात बिताएगी और लग्न घड़ी के ठीक एक घंटा पहले मंडप पे जम जाएगी। बस पता नहीं संकलन व्यवकलन गुणनभाग वर्ग मूल घन मूल आदि गणित के सभी मूल परिक्रम कर लेता हूं, किंतु जीवन का एक छोटा सा गुणाभाग सही नहीं कर पाता। लीला बेटी तैयार हो गई? बिल्कुल तैयार है, बस नजर का काला टीका लगाना बाकी है। वो भी लगा दीजिए ना। अरे अभी से? मेरी बात मानिए, कुछ भी छोड़िएगा नहीं। अब ये देख रही है ना ये जल घटिका? लीला बेटा, तुम स्वयं इस जल घटिका पर ध्यान रखना। इस बार इस नाड़ी यंत्र के डूबते ही तुम्हारा विवाह का पल आ पहुंचेगा। तुरंत मंडप पे चली आना। आप बाहर सब संभालो देवर जी, लड़की समय पर मंडप पे पहुंच जाएगी। अच्छा। ब्याह की जल्दी तो अक्सर लड़कियों को होती है, पर यहाँ तो जल्दी लड़की के पिता को है। तेल के नीचे उतरते ही लीला यहाँ आ जाएगी, फिर तुम दोनों के सप्तपदी की घड़ी आएगी। देखा कितनी उतावली हो रही है ये, घटिका से अपनी आंख भी हटा नहीं रही। धत, मैं घटिका को नहीं अपने नथ का मोती देख रही थी, पता नहीं क्यों चुभ रहा था। इतना भी मत देख अपने आप को, कहीं खुद की नजर न लग जाए। बस आती होगी। चले, आ गया मुहूर्त। अरे पहले पात्र तो डूबने दे। वाह, बाप बेटी को एक जैसी उतावली है। पर ये लोटा डूब क्यों नहीं रहा मौसी? अभी तक आई क्यों नहीं? आ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। नहीं, मुहूर्त निकला जा रहा है। इस घटिका का आधा तेल नीचे जा चुका है, पूरा खाली होने से पहले ब्याह हो जाना चाहिए, वरना मैं दिखता हूं। मौसी, मुझे तो लग रहा है इस पात्र में पानी जा ही नहीं रहा। भारी लड़की, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ? मंडप आई क्यों नहीं अभी तक? मैंने कहा था ना। जी बाबा, आपने कहा था इस नाड़िका के डूबते ही, और ये तो आधा ही भरा है अभी। ये कैसे संभव? बाहर की घटिका में तो मुहूर्त आ चुका। ये क्या? ये मोती यहाँ कैसे आ गया? ये मेरे नथ का मोती है। मैंने जल में अपनी परछाई देखकर इसे ठीक किया था, शायद तभी। अरे छोड़ो ये सब, जल्दी बाहर चलो, ये मुहूर्त बड़ी मुश्किल से आया। मैंने सदा ज्योतिष की अपेक्षा गणित को अधिक महत्व दिया था, इसलिए तो सिद्धांत शिरोमणि में ज्योतिष की शुरुआत से पहले मैंने संपूर्ण ज्ञात गणित का ही विवेचन किया था। फिर पता नहीं क्यों तेरे विवाह के विषय में मैं ज्योतिष के चक्कर। मैं तेरा पापी हूं बेटा। आप अपना मन खट्टा न कीजिए बाबा। ये उन लोगों का निर्णय था कि मेरा ब्याह रोक दिया जाए। पर किस कारण? मेरे ज्योतिष आचार्य होने के कारण ही ना। मैंने तो स्वयं ही कहा था कि यदि उस विशेष विपल में, उस लग्न घटिका में यह विवाह संपन्न नहीं हुआ तो तू विधवा हो जाएगी। फिर वो कैसे उस विवाह वेदी पर अपने बेटी की बलि देने को तैयार हो जाते? छोड़िए ना बाबा, मेरा ब्याह नहीं होना था, नहीं हुआ। हम कर ही क्या सकते हैं? नहीं, हम कर सकते हैं। विवाह क्यों करता है मनुष्य? इसलिए कि उसके पुत्र पुत्री हो और वो दूसरे रूप में अमर हो सके। मेरी बिटिया का विवाह नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो फिर भी अमर हो। तू चिंता मत कर बेटी, मैं तुझे वो सारा ज्ञान दूंगा जो मेरे पास है। अंक गणित, बीज गणित, भूगोल, ग्रह नक्षत्र का विज्ञान। किंतु तुझे सबसे ज्यादा ध्यान गणित को ही देना होगा। यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। अर्थात जैसे मोर के सर पर गलगी और शेषनाग के फण पर मणि सबसे ऊंचे स्थान पर है, उसी तरह वेद आदि शास्त्रों में गणित का स्थान सर्वोच्च है। बोल बेटी, तू तैयार है? जी बाबा, मैं तैयार हूं। बस अब तुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि गणित शास्त्र में जो नया गणित हम तैयार करेंगे उसका नाम होगा लीलावती। कुंडली में जो लिखा होता है और भाग्य में जो बदा होता है जरूरी नहीं एक ही हो। अरे जब भास्कराचार्य जैसे ज्योतिषाचार्य सही भविष्य नहीं पढ़ पाए तो उनका नाम लेकर घाट पर बैठा कोई कलंदर क्या तुम्हें तुम्हारा भविष्य बताएगा? इसलिए मूर्ख, ये याद रख, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। इसलिए घन चक्कर छोड़ सर्कस का चक्कर, नाटक में मन लगा और ग्रेट इंडियन थिएटर कंपनी के गुण गा। वाह वाह सूत्रधार जी वाह क्या स्टोरी को घुमाया है और मेरी स्टोरी को दी एंड लगवाया है। ब्रह्मायेन कुलालवत् नियमितो ब्रह्मांड भांडोदरे पाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः सूर्यो ब्राह्म्य नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। उस कर्म को प्रणाम जिसकी शक्ति से ब्रह्मा कुम्हार की तरह संसार की रचना में रत है। उस कर्म को प्रणाम जो महान विष्णु को बार बार अवतार ले दुखों का भोग करने में विवश करता है। उस कर्म को प्रणाम जिसने रुद्र को खोपड़ी के भिक्षा पात्र में भिक्षा मांगने पर विवश किया है। उस कर्म को प्रणाम जो नित्य सूर्य को घूमने पर विवश करता है। पिछले प्रकरणों में आपने जाना धर्म का मूल वेद और वेदांग। अब अगले प्रकरण में देखिए क्या है उपवेद। कथा देवता और असुरों के युद्ध की, कथा कच्छ और देवयानी की। प्रकरण उपवेद का। यस्य प्रसादाद् भवमंगलार्था प्रसूत गंगोपनिषद विशुद्धा समर्पयामो गुरुचिन्मयाय भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः शिवस्वरूपः।